रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर। ये जो सेंटर है ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का सेंटर है और वनस्पति विज्ञान विभाग सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में स्थित है। आज हम औषधि और सुगंधित पौधों के बारे में जानकारी ले रहे हैं क्योंकि इनकी मांग काफी बड़ी है। आज सुगंधित पौधों के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेने जा रहे हैं और सुगंधित पौधों की मांग जो बढ़ने का कारण है, हमें पता है कि एरोमासिटिकल्स जो सुगंधित पौधे है इसकी जो मांग है, जो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है इसके लिए काफी बड़ी है। काफी सारे सुगंधित तेल जो है वो औषधि करके भी यूज हो रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स करके भी यूज हो रहे हैं, एरोमासिटिकल्स करके भी यूज हो रहे हैं, मेडिसिन में भी उसका उपयोग हो रहा है, टॉयलेटरीज में भी उसका उपयोग हो रहा है। तो इसका उपयोग बढ़ने के कारण आज अगर हम देखें दुनिया भर में 300 प्रकार के तेल सुगंधित पौधों से निकाले गए उसका खेती होता है और वो बाजार में, ये दुनिया के बाजार में उसका ट्रेडिंग होता है, उसका बाजार में बेचे जाते हैं। तो हमारे देश जो है भारत देश, ये भी सुगंधित पौधों के बारे में उसमें काफी अच्छी विविधता इसमें पाई जाती है। और ये जो सुगंधित पौधे है उसमें से हमारे यहाँ ज्यादा पैमाने पर जिसकी खेती की जाती है उसमें पामा रोजा है, उसमें सिट्रोनेला है, लेमन ग्रास है, यूकेलिप्टस है, सैंडल ऑयल है, इसका काफी मात्रा में उसमें मिंट की भी खेती हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ विटिवर की भी खेती होती है, मुस्ता की भी खेती होती है जिसको हम साइप्रस बोलते हैं। इसकी सभी की जो है खेती अच्छी तरह से होने के कारण और इसका जो मांग है काफी अच्छी मांग, इसका निर्यात भी अच्छा होता है और हमारे देश में इसके लिए इसकी जो मांग बढ़ी है इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए एरोमा मिशन शुरू किया गया है। काफी जो संस्थान है इससे जुड़ गए हैं और काफी लोग भी इसमें जुड़ गए हैं। तो ऐसे एरोमा मिशन में जो जुड़े हुए हैं और जिनका योगदान एक क्षेत्र में रहा है, तो आज हम जिनके साथ जिनके बारे में बातचीत करने जा रहे है वो है हमारे एरोमा मैन मैन ऑफ एसेंस मिस्टर एस के दास। ये भुवनेश्वर स्थित है और उड़ीसा राज्य का जो भुवनेश्वर कैपिटल है इसमें ये रहते हैं और इनका जो कार्य है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसमें काफी बड़ा इनका योगदान है। पूरे भारत भर में हर एक राज्य में इनका औषधि और ज्यादातर सुगंधित पौधों में इनका कार्य रहा है। जो हमारे आदिवासी बांधव है उनको साथ में लेके गांव-गांव में डिस्टिलेशन यूनिट इन्होंने इंस्टॉल किए है। हाइड्रो डिस्टिलेशन हो या उसमें अलग अलग डेग एंड भपका मेथड से भी तेल जो निकाला जाता है, इनको रोज के बारे में भी इनका जो रोज का एसेंस निकाला जाता है, इनका कार्य जो है लैवेंडर हो या मिंट हो या रोज हो या ये सभी ऑयलों में, ऑयलों के मास्टर सुगंधित पौधों का जो ऑयल निकाला जाता है इसके मास्टर जो है मिस्टर एस के दास, इनके साथ हम बातचीत करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ प्रात्यक्षिक के साथ हम इनसे अभी जुड़ जाएंगे। एरोमा के फादर, एरोमा मिशन के जो हमारा एरोमा का मिशन चल रहा है और एरोमा मैन मैं जिनको बोलूंगा, एस के दास सर मेरे साथ है, मैन ऑफ एरोमा मैन ऑफ एसेंस मैन ऑफ एसेंस, ये जो मैं आज उपाधि देने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा ही बंजर जमीन पड़ा था और ऐसे जमीन में जो भी सुगंधी पौधे लगे उसमें लेमन ग्रास विटिवर हो जितने भी अपने हमारे देश में हो सकते हैं इसका खेती किया जा रहा है। तो यहाँ पे लेमन ग्रास का कृष्णा वैरायटी लगाया गया है। तो सर ये एरोमा जो है एरोमेटिक प्लांट जो है उसका भविष्य क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत ही अच्छा है क्योंकि डिमांड है, जो बाजार में डिमांड है उसी का अगर खेती किसान करे तो इसमें पैसा मिलेगा। और जो बाजार में जो हम इसलिए ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि बाजार में जिसका डिमांड है इसी को लेकर हम किसान के पास जाते हैं और किसान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं, किसान खेती करता है और डे वन में इसको पैसा मिल जाता है। तो एरोमा का सिर्फ लेमन ग्रास नहीं, ये तो 117 एकड़ का एक ही पेच है, दूसरा भी चल रहा है, जैसे कि नागौर मुठा चल रहा है, इधर मिंथा भी चल रहा है, तो ये बहुत सारे सुगंधित पौधा का खेती चल रहा है तो जिसमें पैसा किसान को मिलता है और डे वन में मिल जाता है, इसलिए ये ऑटो प्रमोट होता है। पहले हम लोगों ने इसको 125 एकड़ में शुरू किया था, अभी कम से कम 6000 से ऊपर हो गया ये लोकल मैन ऑफ एसेंस जो है। मुस्ता की खेती किसानों से करवा के ले रहे, लेमन ग्रास की करवा के ले रहे, विटिवर की करवा के ले रहे,
मिंट की करवा के ले रहे हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेमन ग्रास की एक कृष्णा वैरायटी है, और कृष्णा वैरायटी जो है उसका जो स्टेम का कलर है, पत्ते का कलर है, उससे वो पता पेटियोल का कलर, आप जो सीट है यहाँ का वो सीट से आपको पहचाना, ये वैरायटी पहचाना जाती है। सर ये जो वैरायटी है ये किसानों ने लगाना चाहिए, इससे ऑयल रिकवरी अच्छा मिलता है, ऑयल रिकवरी अच्छा है और रेनफेड में अच्छा होता है, जैसे कि एक रोता है रेनफेड पानी को भी दिया नहीं तो इसमें ज्यादा तेल भी आता है, कम से कम एक क्विंटल में 2 किलो तेल आता है इसमें एवरेज। अच्छा, जैसे कि जून जुलाई अगस्त में एक टाइप का आता है तेल, कब घटेगा फिर इसके बाद थोड़ा जितना जितना सूखा होता जाएगा इतना इतना अच्छा, कम से कम 3% तक भी तेल निकल जाता है धूप का टाइम, मीटर में धूप में 3% भी तेल निकल जाता है, उसका रिसर्च पेपर बता रहा है 2% से नीचे, लेकिन प्रैक्टिकली ये 3% भी आ जाता है, एवरेज 2% तो आ ही जाता है। अच्छा, क्विंटल में साल में 2 क्विंटल सिर्फ इसको जुताई कर देना है, जुताई और तो इसको जीरो टिलेज भी हो सकता है, एक तो खेती जोत के मतलब उसको प्लाइंग करके फिर उसके बाद लगा के लाइनिंग करके लगाना है, स्टार्टिंग और लाइनिंग अलाइनमेंट होता है उसके बाद लगाने के, जैसे कि हम लोग लगा रहे हैं 2 फीट × 1 फीट मतलब 2 फीट लाइन से लाइन दूरी, पौधा से पौधा 1-1 फीट, ये लगाने का बाद और सिर्फ लगा के छोड़ देना है ये जून में जब बारिश आएगा फर्स्ट बारिश, और कुछ नहीं चाहिए इसी में आ जाएगा, फिर आपका 25-30 दिन के बाद एक मिट्टी उठा देना है सॉल मल्ची मतलब उसका जो वजन पूरा बना देना है, बस हो गया और कुछ नहीं है चल, और इसको काटते रहो 6-7 साल तक पूरा काटते जाओ, मतलब वो जबकि सिट्रल जिसको कम चाहिए वो 60 दिन में काट सकता है, सिट्रल जिसको जैसे कि 80% 75% एवब चाहिए तो ये 90 डेज कटिंग होना है 3 महीने में, और ये 6-7 साल चलेगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा 30,000 है पर एकड़। जीवन में इसेंस लाना है तो मैन ऑफ इसेंस इसेंस को आपको मिलना है, मैन ऑफ एरोमा को आपको मिलना है। किसानों आपको जागना होगा क्योंकि एरोमेटिक खेती, मेडिसिनल प्लांट के पौधों की खेती आपको करना जरूरी है, इनोवेटिव फार्मिंग करना जरूरी है। मुझे बहुत ही खुशी हुई मैं आज मैन ऑफ इसेंस के साथ मिला, और मैं प्रोफेसर दिगंबर भोकाट, मेरे साथ सुभाष जी भी है, और हम इसके दास सर को यहाँ पे मिले हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है ये सब फार्म वगैरह देख के, उनका जब भी प्रोसेसिंग जो होता है वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।